हाय गाइस, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का डेली का जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करके बता रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कमेंट करके कि सर, जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आप एक बार हम सबको ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि उससे हम लोगों को काफ़ी आसानी होगी। तो मैं उन सबके लिए एक कॉमन क्वेश्चन जो डेली पूछा जा रहा है वो मैंने बनाया है। तो आइए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पूछा जाता है कि आपकी अंतिम योग्यता क्या है? तो आपने जो भी किया है, इंटरमीडिएट किया है तो इंटरमीडिएट बताएंगे, या फिर ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो वो बताएंगे। इसे ग्रेजुएशन में आपने बीए किया है तो बीए बताइए, बीकॉम किया है बीकॉम बताइए, एम और बीएससी किया है या बीबीए किया है या बीटेक किया है, तो ये आप बताएंगे उसमें। और अगर इंटरमीडिएट ही सिर्फ किया है तो सिर्फ इंटरमीडिएट ही बताइए। फिर इसके बाद पूछा जाता है दूसरा क्वेश्चन कि किस सन में आपने पास किया है, मतलब कि या फिर बीए आपने किया है, ग्रेजुएशन किया है तो किस सन में आपने ग्रेजुएशन किया है, इंटरमीडिएट किस सन में किया है, तो ये पूछे जाते हैं। तो किस सन में किया है तो ये सन बताइएगा आप, ये याद रख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो बनता है वो ये पूछा जाता है कि कौन सा विषय लिया था आपने बीए में, अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है या फिर बीए किया है या बीकॉम किया है तो कौन सा सब्जेक्ट लिया है। तो बीए में जो सब्जेक्ट लिए हैं वो सब्जेक्ट का आप नाम बताएंगे। और उसके बाद इंटरमीडिएट में अगर पूछा जाता है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप बताइएगा कि पीसीएम, अगर पीसीएम किया है तो पीसीएम बताइएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। वैसे तो आपको पांचों सब्जेक्ट इंटरमीडिएट में, जो पांच सब्जेक्ट होते हैं वो पांचों के नाम पता होना चाहिए, लेकिन जनरली यही चीज़ें पूछे जाते हैं, यही बताइएगा। या फिर आर्ट साइट से हैं तो आर्ट साइट बताइए, और ग्रेजुएशन में कौन सा विषय लिया है तो वो बताइए। फिर उसके बाद क्वेश्चन जो आता है ये, हाँ एक चीज़ ये इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल का आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ या अपलोड करूँ आप तक आसानी से पहुँच जाए। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन हैं जो डेली पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। इसी में था, यहाँ पर आपसे बीए का जो विषय पूछा जा रहा है ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप ग्रेजुएशन के सारे विषय का नाम बताएंगे। मतलब आप, ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन में तो तीन सब्जेक्ट होते ही हैं लेकिन फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट छोड़ना होता है, तो आपने जो दो सब्जेक्ट फाइनल ईयर में लिया है तो वो सिर्फ दो विषय का नाम आपको नहीं बताना है, यहाँ आपको तीनों का तीनों विषय का नाम बताना है। जैसे मान लीजिए कि आपने इंग्लिश लिया है, हिंदी लिया है या फिर तीसरा विषय मान लीजिए पॉलिटिकल लिया है, तो ये तीनों सब्जेक्ट का नाम आपको को बताना है, केवल हिंदी या इंग्लिश नहीं बताना है। तो ये बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। आगे मैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया गया तो इसके बाद पूछा जाएगा कि आपका हाई स्कूल में कितना प्रतिशत है, बीए में कितना प्रतिशत है, या इंटरमीडिएट में कितना प्रतिशत है, या ग्रेजुएशन में, या अगर पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो उसमें कितना प्रतिशत आपका आया है, कितना नंबर आया है। तो फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि किस बोर्ड से आपने पास किया है, तो आप बोर्ड का नाम बताएंगे, यूपी बोर्ड से बात पास किए हैं इंटरमीडिएट, या जिस भी बोर्ड से बात पास किए हों, या फिर महाविद्यालय का नाम पूछा जाएगा तो कौन सा महाविद्यालय से पास किए हैं, तो ये सब आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे काशी विद्यापीठ से किया है तो एम जी के वी पी या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये याद होने चाहिए आपको। आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अभी आप क्या कर रहे हैं, तो अगर जॉब कर रहे हैं तो वो बताइए, या फिर अगर पढ़ाई कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं जॉब की तो वो बताइए। फिर उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन तो सभी से ही पूछा जाता है कि आपने ट्रिपल सी किया है या फिर जानते हैं ट्रिपल सी के बारे में, तो ऐसा तो नहीं है कि ट्रिपल सी
नहीं ही किए होंगे, लगभग सभी लोग ट्रिपल से किए होंगे। कुछ ही लोग होंगे बीसीए वाले या फिर बीबीए वाले जो ट्रिपल से नहीं किए होंगे, या जिनका कंप्यूटर सब्जेक्ट के रूप में रहा होगा वो लोग नहीं किए होंगे। लेकिन जिनका रहा है तो वो लोग इसके बारे में भी जान लें कि किया है तो किस सन में पास किया है आपने ट्रिपल से, वो बताएंगे। तो सन बताने के बाद वो है ट्रिपल सी का फुल फॉर्म बताओ। तो ट्रिपल सी का फुल फॉर्म आप लोग जानते ही हैं, ये कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट होता है ट्रिपल सी का फुल फॉर्म। इसके बाद यहाँ पर पूछ दिया जाता है, हिंदी में भी पूछ दिया जाता है कि ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो हिंदी में जब पूछा जाता है तो सब लोग गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि ये कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट तो ये सिंपल सा नाम हो जा रहा है फुल फॉर्म, लेकिन इसका हिंदी बहुत ही थोड़ा टफ पड़ जाता है, जिसे आमतौर पर सभी को याद नहीं होता है। तो ये याद रखिएगा कि संगणक अवधारणाओं पर आधारित पाठ्यक्रम, तो ये ट्रिपल सी का हिंदी में फुल फॉर्म हो गया, संगणक अवधारणाओं पर आधारित पाठ्यक्रम। इसमें आगे पूछा जाता है कि अपना रोल नंबर बताओ, तो रोल नंबर आपको याद होना चाहिए कि आपका रोल नंबर क्या है, कितना है रोल नंबर। इसके बाद आपने पास किया है तो किस ग्रेड से पास किया है, कौन सा ग्रेड आया था, ए आया था, बी आया था या सी आया था, जो भी ग्रेड की जो लिमिट होती है कितने से कितने तक की होती है। जैसे कि अगर आपका सी ग्रेड है तो 55 से 64% के बीच होता है इसकी लिमिट, तो इस तरह से आपको याद रखने होंगे। अगला पूछा जाता है ट्रिपल सी कितने घंटे का कोर्स होता है, तो ट्रिपल सी आप लोग जानते ही हैं कि 80 घंटे का कोर्स होता है। ये सिर्फ इसलिए पूछा जाता है कि आपने ट्रिपल सी किया है तो खुद से किया है या फिर पैसे देकर कहीं से सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं, तो बस इसी को ही जांच करने के लिए, चेक करने के लिए ये चीज़ पूछा जाता है। ट्रिपल सी कितने घंटे का कोर्स होता है, अवधि क्या होती है, तो 80 घंटे का होता है, जिसमें 25 घंटा सिद्धांत का होता है, मतलब थ्योरी का, और प्रैक्टिकल का 50 घंटा का होता है। 50 घंटा प्रैक्टिकल कराए जाते हैं इसमें, और 5 घंटा ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ये आपका सिद्धांत और प्रैक्टिकल का ही, थ्योरी और प्रैक्टिकल का ही मिक्स पार्ट होता है, इसमें दोनों काम कराए जाते हैं, तो ये याद होना आपको जरूर। हाँ, कुछ लोग कमेंट करके मुझसे ये पूछे थे कि क्या ग्रेजुएशन के विषय से ही पूछा जा रहा है या कहीं से भी, या फिर फिजिक्स वाले से भूगोल तो नहीं पूछ रहे हैं। तो मैं यहाँ उन लोग के लिए या सबके लिए मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, तो ग्रेजुएशन में आपका तीनों विषय जो भी है तो वो तीनों विषय से ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और इंटरमीडिएट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो लोग सिर्फ इंटरमीडिएट किए हैं तो उन लोग को मैं बताना चाहूँगा कि इंटरमीडिएट में अगर आप पीसीएम से किए हैं तो पीसीएम से ही आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सबसे ज़्यादा तो वैसे कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है कि कॉमन ही पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि ट्रिपल सी तो सबका है, तो सबसे ही पूछे जाते हैं। और हाँ, ये चीज़ है कि फिजिक्स वाले से भूगोल नहीं, इस तरह से नहीं पूछा जा रहा है, ये सिर्फ आपके कोर्स से ही पूछा जा रहा है। हाँ, और एक चीज़ है कि करंट अफेयर्स से पूछा जा रहा है, करंट अफेयर्स भी आप पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। इम्पोर्टेंट सूचना ये थी है कि जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।